अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसे हैं दोस्तों? आई होप आप अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में आप देखेंगे हमने इन्वर्टर फ्रिज को नॉन इन्वर्टर फ्रिज में कैसे कन्वर्ट किया। दोस्तों, इसमें हमने 53 कंप्रेसर लगाया, जैसे कि मैंने एक छोटी सी क्लिप इसकी डाली थी। दोस्तों, ये इस वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आपको कोई भी जानकारी या कोई भी बात पता करनी है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इस वीडियो का दूसरा जब पार्ट अपलोड करूं तो उसमें आपकी बातें अच्छे से आपको समझा पाऊं और आपको बता पाऊं। ओके दोस्तों, देखते हैं पहले वीडियो। दोस्तों, आज हमारे पास में ये दो पीसीबी आई हुई हैं, मैं ही उतार कर लाया हूं कस्टमर के यहाँ से। ये इन्वर्टर मॉडल है सैमसंग की। तो दोस्तों, ये पीसीबी जो है हमें नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करनी है। तो नॉन इन्वर्टर में कन्वर्ट करने के लिए हम इस पीसीबी को हटा देंगे और बचा लेंगे, ताकि हमारे ये किसी कहीं और भी काम में आ सके। तो दोस्तों, हम इसको इन्वर्टर से नॉन इन्वर्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप देखिए। यहाँ पर लिखा हुआ है कंप्रेसर। तो दोस्तों, यहाँ पर एक रिले लगी हुई है जो कि कंपनी ने नहीं लगाई हुई है। अब हम यहाँ पर रिले लगाएंगे और रिले लगाकर फिर यहाँ से कनेक्शन उठाएंगे कंप्रेसर के लिए। तो दोस्तों, अभी देखते रहिए, अभी कैसे हम करते हैं इसको पोस कर। मुझे देखा, दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, यहाँ से मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है, क्योंकि कुछ कस्टमर शॉप पर आ गए थे, वो आपस में बातें कर रहे थे और कुछ फ़ोन कॉल भी कभी मेरी आ रही थी, कभी उन कस्टमर की आ रही थी। सो मुझे यहाँ से वॉइस ओवर करना पड़ा। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं रिले लगा चुके हैं हम। और दोस्तों, सोल्डरिंग करने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ कर लीजिए और पेस्ट लगाइए, और फिर सोल्डर आयरन पर लगाकर आराम से अच्छे से सोल्डरिंग करिए। दोस्तों, सोल्डरिंग हो या ब्रेजिंग हो या वेल्डिंग हो, ये अच्छे से करनी चाहिए। आप जितना उसको अच्छा क्लीन करेंगे और जो जो उसके लिए बताया जाता है वो करेंगे, तो आपके हमेशा अच्छा काम होगा। अब दोस्तों, हम यहाँ से कनेक्शन उठा रहे हैं अपने कंप्रेसर को ऑपरेट करने के लिए। ये दो वायर होंगी से दोस्तों, जो कि हमारे कंप्रेसर पर जाएंगी। और दोस्तों, देखते रहिए, इसमें बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा।
और फ्रेंड्स, हम लोग आज के टाइम में प्रॉब्लम फेस करते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर ख़राब हो जाता है किसी फ्रिज का, तो कंप्रेसर के लिए हम काफ़ी परेशान होते हैं, इन्वर्टर कंप्रेसर नहीं मिलता। दोस्तों, ये वाले कनेक्शन करने के बाद आप किसी भी सैमसंग के फ्रिज में इस तरह से कनेक्शन करेंगे तो आप नॉर्मल कंप्रेसर आराम से लगा लेंगे और किसी तरह का कोई एरर भी नहीं आएगा, और जैसे नॉर्मल चलता है फ्रिज वैसे ही चलेगा। अब हम दोस्तों यहाँ पर सेंसर लगा रहे हैं इसके, क्योंकि पीसीबी हमें ऑपरेट करके चेक भी करनी है, तो इसलिए पहले हम सेंसर लगाएंगे। इसमें दोस्तों 4 या 5 सेंसर हैं, तो एक एक करके सभी सेंसर को कनेक्ट करेंगे, तभी ये पीसीबी ऑपरेट हो पाएगी। अभी हम ऑन करके चेक करेंगे कि ये ऑन हुई या नहीं। अभी दोस्तों ऑन कर चुके हैं लेकिन ऑन नहीं हुई, तो थोड़ा कुछ इसमें प्रॉब्लम जो हमें मिली जिसकी वजह से ये ऑन नहीं हुई, एक सेंसर हमने गलत जोड़ा हुआ था इसमें, जिसकी वजह से ये पीसीबी ऑपरेट नहीं हुई। अब दोस्तों सेंसर हमारा सही लग चुका है। देखा दोस्तों आपने, पहले हमारा हीटर ऑन हुआ, सामने वाला जो छोटा बोर्ड है वो हीटर ऑन हुआ वहाँ पर, और ये कंप्रेसर ऑन हुआ। अब हम दोबारा ऑन करेंगे, पहले हीटर ऑन होगा सामने वाले बोर्ड में, अब ये बड़ा जो बल्ब है ये हमारा कंप्रेसर के लिए है। सो दोस्तों ये कंप्लीट हो चुकी है, और हमने इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या किया है, एक जो रिले लगाई हुई है वहाँ पर जीनर डायोड दिया हुआ है, और एक कैपेसिटर का प्रयोग किया है एक्स्ट्रा में। यहाँ से दोस्तों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप भी खुद इसको कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। दोस्तों हमारे एक व्यूवर का कमेंट आया था पूर्णिमा सर्विस से, जो कि ये भी यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं और अच्छी वीडियो डालते हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप इनकी भी वीडियो वॉच करें। तो दोस्तों ये इनका क्वेश्चन था, इन्वर्टर कार्ड हटाया और एक 12 वोल्ट का रिले लगाया हीटर के रिले के पास, लेकिन सर जी इन्वर्टर नहीं लगाया और ऑप्टो कुपलर से तो इन्वर्टर कार्ड से तो फीडबैक नहीं आएगा,
इनका कहने का सार कुछ ऐसा है कि एरर के बारे में ये कोई बात कर रहे हैं। दोस्तों जो ये हमने कनेक्शन किए हैं इसमें किसी भी तरह का कोई एरर नहीं आ रहा है, और जो सेकंड पार्ट आप के लिए मैं अपलोड करूंगा उसमें पूरा वीडियो आपको दिखाऊंगा, और सबसे बेस्ट कनेक्शन मुझे यही लगे इसके। हम पहले भी कनेक्शन करते थे इन्वर्टर को, नॉन इन्वर्टर बनाने में सैमसंग के फ्रिज को, तो उसमें हमें कुछ प्रॉब्लम आती थी। अब इस पीसी में क्या है, कंपनी ने पहले ही एक रिले ऑप्शनल दी हुई है, क्योंकि ये पहले भी यही बोर्ड यूज करते थे कंपनी। जहाँ पर हमने कैपेसिटर लगाया है दोस्तों, वहाँ पर फीडबैक सिग्नल जाते हैं इन्वर्टर कार्ड के लिए, लेकिन वही फीडबैक सिग्नल को डिस्कनेक्ट करके यहाँ पर हमने रिले पे ट्रांसफ़र करा है। तो जो भी थोड़ा बहुत पीसीबी रिपेयर का नॉलेज रखता होगा वो आराम से ये कनेक्शन कर लेगा। तो दोस्तों सीजन आ चुका है, तैयारी करिए और बने रहिए, आपके लिए हम आगे भी और अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।